अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन्स इलाके में शमशाद मार्केट के पास शनिवार रात टायर विक्रेता अंसार अहमद की हत्या कर दी और लूट के आरोपी आसिफ को रविवार को पुलिस ने बमोला पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर की अवैध पिस्टल, लूट की एक्टिवा भी बरामद की है। इस मामले पर एसपी सिटी अभिषेक ने एसएसपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर बताया कि जमालपुर निवासी अंसार अहमद की हत्या शनिवार रात को आसिफ ने कर दी थी। बताया जा रहा है आसिफ शनिवार दोपहर अंसार की दुकान पर 200 रुपए और बाइक मांगने पहुंचा था। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद से गुस्सा आया आसिफ रात को अवैध पिस्टल लेकर अंसार के पास पहुंचा, जहां उसने उसे गोली मार दी। वहीं मौके से भागने के लिए उसने वहां से गुजर रहे इरफान से लिफ्ट ली और बाद में उसकी एक्टिवा को भी लूट लिया। 28 नवंबर को शाम में शमशाद मार्केट और पुरानी चुंगी के बीच में एक शाह अपार्टमेंट है, वहां पर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक अंसार अहमद नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, जो वहां पर एक टायर वगैरह की दुकान चलाते थे। इसी संबंध में जो अभियुक्त है, एक ही अभियुक्त है इसमें, आसिफ नाम का व्यक्ति, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो पूछताछ में बात सामने आई है कि उसका भाई शादाब वहाँ पर उसी दुकान के सामने, मृतक के दुकान के सामने अपना ठेल लगाता था, और जब भी अपने भाई के ठेल पर आता था तो उस समय जो है मृतक और अभियुक्त के बीच में जो है कुछ वाद विवाद या गाली गलौज वगैरह होती थी, और इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने जो है अंसार अहमद की हत्या करना बताया है। घटना करने के तुरंत बाद उसने जो है पुरानी चुंगी गेट पर एक छात्र की जो है स्कूटी भी छीन ली थी, और अभियुक्त से जो घटना में जो आला कत्ल है वो और जो स्कूटी छीनी गई थी दोनों बरामद किए गए हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है तमाम। इसमें जैसा कि आपको बताया, जो अभियुक्त है उसके भाई की जो है ठेल लगती थी, जो मृतक है उसकी दुकान के ठीक सामने, और जब भी अपने भाई के ठेल पर आता था तो उसी बात को लेकर इनमें जो है जो भी कुछ एक विवाद चल रहा था, और इसी से क्षुब्ध होकर उसने जो है ये घटना कारित की है। रविवार को जब पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने सूचना पर छापेमारी करते हुए उसे दबोच लिया। आसिफ के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और लूटी गई एक्टिवा भी बरामद की गई है और पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अलीगढ़ से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट।